अभी कुछ ही दिन हुए 5 अगस्त को भ्रष्टाचार मुक्ति संकल्प दिवस घोषित किए हुए, और अभी से जो है खबरें आना शुरू हो गई कि दोबारा से रेवेन्यू ऑफिशियल के घर पे छापेमारी हुई तो वहां से कितने पैसे जो है वो बरामद किए गए। मामला था ब्राइबरी का, एक व्यक्ति से लगभग 50,000 रुपये रिश्वत मांगी जा रही थी एक गिरदावर के द्वारा फर्द जारी करने के लिए। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का ने जो है एक गिरदावर को गिरफ्तार किया है जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पोस्टेड था मीरा साहब के इलाके में, और ये कहा है कि इस व्यक्ति ने कंप्लेनेंट से पहले 50,000 रुपये ब्राइब मांगी और ब्राइब को लेकर ये कहा कि 25,000 की 2 इंस्टॉलमेंट में आप ये रिश्वत देंगे तब जाकर आपको फर्द जारी किया जाएगा। एक केस रजिस्टर किया गया कंप्लेंट के बेसिस पर, उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन हुई और सीबीआई ने एक ट्रैप ले डाउन किया। उस ट्रैप में मालूम ये चला कि जो अक्यूज्ड है उसने 25,000 रुपये कंप्लेनेंट से जब लिए तो उसके बाद छापेमारी हुई और उस व्यक्ति के पास से, उस गिरदावर के पास से लगभग 2,00,000 रुपये सर्चेस के दौरान बरामद किए गए। अक्यूज जो है उसे भी कोर्ट ऑफ स्पेशल जज सीबीआई के सामने पेश किया जा रहा है, और मीडिया ये जानने की कोशिश जब की गई कि आखिर ये गिरदावर है कौन, तो नाम मालूम चला अजय कुमार जो कि मीरा साहब में गिरदावर थे। उन्होंने लगभग 50,000 रुपये केवल एक फर्द जारी करने के लिए जो है वो मांगा। रेवेन्यू ऑफिशियल्स की जहां तक बात है, अक्सर इस तरीके की शिकायतें जो हैं वो आती रहती हैं गिरदावरों को लेकर भी, पटवारियों को लेकर भी और अन्य रेवेन्यू ऑफिशियल्स को लेकर भी। कभी एंटी करप्शन ब्यूरो, कभी सीबीआई, कभी अन्य जो एजेंसीज हैं वो मालूम करते नजर आते हैं कि आखिर ये नेक्सस कितना बड़ा है, ये करप्शन जो है वो कितने लेवल तक है। जब मालूम करने की कोशिश करते हैं एक व्यक्ति भी, एक कंप्लेनेंट भी अगर इन ऑर्गेनाइजेशंस के पास, इन एजेंसीज के पास पहुंचता है कंप्लेंट लेकर, जब तहकीकात चलती है तो मालूम चलता है कि ये करप्शन आज ही नहीं हो रही है, ये सालों से हो रही थी। ये करप्शन जो है इस मैग्नीट्यूड की है, जो मैग्नीट्यूड जो है वो सोचा भी नहीं जा सकता था। 25,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरदावर को पकड़ा, लेकिन जब छापेमारी हुई, जब सर्चेस कंडक्ट की गई तो 2,00,000 रुपये ऑन स्पॉट जो है वो बरामद किया गया, और 2,00,000 रुपये वो आखिर आए कहाँ से। तो गिरदावर का जहाँ तक ताल्लुक है, इस गिरदावर को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अन्य भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के ऊपर इसी तरीके से लगातार इल्ज़ाम लगते रहते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो अरेस्ट करती रहती है, अन्य एजेंसीज जो हैं वो इसी तरीके की इन्वेस्टिगेशन करके मालूम करती रहती है कि आखिर करप्शन किस लेवल तक है। वहीं जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा फैसला ये ले रहे हैं कि 5 अगस्त को, 5 अगस्त के अगले जो पूरा हफ्ता है उसे विजिलेंस अवेयरनेस के तौर पर मनाया जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्ति संकल्प दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। क्या भ्रष्टाचार मुक्ति की संकल्प सरकारी मुलाजिम उसी दिन नहीं ले लेते जिस समय वो सरकारी मुलाजमत में आते हैं, और आखिर क्या संकल्प लेना काफ़ी होगा जब ऑन ग्राउंड जो है इसी तरीके के वाक्य देखने को मिलेंगे कि कभी 25,000 रुपये, कभी 1,20,000 रुपये, कभी 1,40,000 रुपये रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट्स जो ओनर है लैंड का उसे देने के लिए मांगे जाते हैं।